मीटिंग जैसी एंड हुई अपडेट पे चला गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। खैर अच्छा, मैं बता रहा था कि टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, होमोजेनस और हेटरोजेनस। होमोजेनस कैटलिस्ट क्या है? वो कैटलिस्ट होमोजेनस कहलाता है जब रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है दोनों सेम स्टेट में हो। यानी अगर रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड स्टेट में हो, रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट्स में है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में हो, रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में हो। तो ऐसे क्यों? अच्छा आप कहें स्टेट से क्या होता है, तो भाई स्टेट की वजह से मैकेनिज्म पे फर्क आ जाता है। यानी कैटलिस्ट जिस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है दैट डिपेंड्स रियली अपॉन दी कॉमन स्टेट्स। तो वो मैकेनिज्म A2 के अंदर आता है, AS में नहीं है। अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन और एग्जांपल याद रखनी है। तो दोस कैटलिस्ट व्हेन व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज वी कॉल दिस कैटलिस्ट होमोजेनियस कैटलिस्ट। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। बड़ा आसान है ना ये, मुश्किल नाम था। व्हेन रिएक्टेंट्स होमोजेनियस कहते हैं इसको, एक जैसा, एंड कैटलिस्ट आर इन, ये साथ साथ याद हो रहा है ये चैप्टर बहुत आसान है, इसको साथ साथ याद करना है। जी सर। और हेटरोजेनस क्या होगा? तुक्का लगाओ फिर। ऑपोजिट स्टेट। ऑपोजिट स्टेट क्या होती है? डिफरेंट होगी ना बस। व्हेन डिफरेंट स्टेट रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट स्टेट्स और फेज इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल याद आ रही है कोई? आपने पढ़ी भी एग्जाम्पल, वहीं से देता हूं अगर आपको याद आ जाए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद है, ओवलेव्स में एग्जाम्पल थी। जी सर। और अभी तुमने सवाल, तुमने मेरे साथ इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है इसको, इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर में भी मैंने जो रिवर्सिबल रिएक्शन समझाया था उसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला रिएक्शन लिखा था ना एग्जाम्पल में समझाने के लिए बार बार। जी नहीं याद आ रहा तुमको? नहीं नहीं सर याद है। ये रिएक्शन, तब अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करें, इस रिएक्शन में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये होता है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जो अगेन क्या है? गैस है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। और इसी तरह आपने जो दूसरा हेवर्स प्रोसेस पढ़ा था याद है अनस? जी सर याद। सीन से था। जी सर। जी सर, इसमें आयरन कैटलिस्ट है। हाँ जी। और क्या रिएक्टेंट क्या होते थे? रिएक्टेंट होता था, माशाल्लाह रिएक्टेंट याद नहीं है। सर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन टू मेक अमोनिया, याद आया? अमोनियम, अमोनिया। जी सर। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या अमोनियम है? गैसेस हैं, जबकि कैटलिस्ट कौन है? कैटलिस्ट एक आयरन, सॉलिड है। आयरन सॉलिड है। सॉरी, कैटलिस्ट एक सॉलिड पार्टिकल है। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये हेटरोजीनियस की एग्जांपल हो गई। इसी तरह आपने मार्जरीन सिंथेसिस में पढ़ा था कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो वहां पर भी आप देखें वो जो ऑयल है वो लिक्विड होगा और हाइड्रोजन गैस उसमें ऐड होती है, वो गैस होती है, जबकि कैटलिस्ट सॉलिड होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे कैटलिस्ट, अच्छा इसमें फर्क क्या है तो मैंने वो बताया, A2 में पढ़ेंगे आप कि इसके मैकेनिज्म में क्या फर्क आ जाता है, लेकिन इस वक्त सिर्फ डेफिनेशन ही आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इस चैप्टर का पहला आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, हेडिंग बनाइए बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये इस चैप्टर का एक नया पार्ट है और आसान पार्ट है, बहुत ज्यादा आता है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा
वो याद है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के ग्राफ जो बनाते थे एनर्जी प्रोफाइल, वो याद है? जी सर याद है। तो ये भी एक ग्राफ है, कर्व है, और ये कर्व बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस कर्व को समझना मुश्किल इसलिए हो जाता है बच्चों के लिए, वो इस कर्व को थियोरेटिकली नहीं समझते, कॉन्सेप्चुअली रिलेट नहीं कर पाते, और बस कर्व रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब कर्व रट्टा नहीं लगता तो फिर जाहिर है जो इस पे इफेक्ट आता है वो भी नहीं इनको समझ में आता। अदरवाइज आसानी से आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। पहले तो देखिए बोल्ट्ज़मैन ने एक ग्राफिकल रिलेशनशिप बताया दो चीजों के दरमियान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। किसके दरमियान? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ ना अनस, आर यू विद मी? जी सर। तो बेटा मान लो ये एनर्जी का एक्सेस है और ये जो है नंबर का एक्सेस है। तो बोल्ट्ज़मैन ने ये कहा कि किसी भी रिएक्टिंग मिक्सचर में, अब मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ तो आपको ग्राफ खुद ही समझ में आ जाएगा। बोल्ट्ज़मैन ने ये कहा कि किसी भी रिएक्टिंग मिक्सचर में ज्यादातर मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, जिनकी एनर्जी ज्यादा नहीं क्या होती है, कम होती है, और उन जाहिर जब उनकी एनर्जी कम होगी तो उनके कोलिजन भी इफेक्टिव नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी थोड़ी मिड रेंज की होती है, और बहुत थोड़े मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा होती है, और वो थोड़े से मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है। क्या कहा? कि किसी रिएक्टिंग मिक्सचर में आप समझो कि उसने मॉलिक्यूल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे मैक्सिमम नंबर किस कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स का है? सवाल जिनकी एनर्जी ज्यादा है, मैक्सिमम नंबर कौन से मॉलिक्यूल का जिनकी एनर्जी ज्यादा है? नो, मैक्सिमम नंबर उन मॉलिक्यूल्स का है जिनकी एनर्जी कम होती है। वो कहता है कि किसी रिएक्टिंग मिक्सचर में सबसे ज्यादा नंबर उन मॉलिक्यूल्स का होता है जिनकी एनर्जी कम होती है, फिर उससे ज्यादा नंबर उनका होता है जिनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, और सबसे कम नंबर उनका होता है जिनकी एनर्जी एक्चुअली एक्टिवेशन से ज्यादा होती है। समझे नहीं समझे? समझे। तो कोलिजन और यानी जो ग्राफ है उसको हम तीन हिस्सों में देख सकते हैं, पहला लो एनर्जी, फिर मीडियोकर टाइप ऑफ एनर्जी एंड हाई एनर्जी, और कौन से वाली मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी फायदेमंद होगी जो हाई एनर्जी है। इज दैट क्लियर? लेकिन उनकी तादाद ज्यादा है कि कम है? कम है सर। अब आए ग्राफ समझते हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाऊं ना तो आप देखें मैक्सिमम नंबर उन मॉलिक्यूल्स का बनेगा, नंबर में बढ़ाता जा रहा हूं एनर्जी कम, नंबर बढ़ाता जा रहा हूं नंबर वाले ऊपर जा रहा हूं जिनकी एनर्जी कम है, उसके बाद फिर उससे कम नंबर किसका होगा? मीडियोकर टाइप ऑफ एनर्जी, और सबसे कम नंबर आप देखें सबसे कम नंबर, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, सबसे कम नंबर आप देख रहे हैं नंबर के एक्सिस में कितना थोड़े हैं ये, जिनका जिनकी जो वैल्यू है वो एक्टिवेशन से ज्यादा आ रही है, ये सबसे तादाद में कम है। इज दैट क्लियर? और देखिए सबसे ज्यादा तादाद किसकी नजर आ रही है आपको? बोलो भाई सबसे ज्यादा तादाद किसकी नजर आ रही है? इनकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है। जिनकी एक्टिवेशन तो बेटा एक फिक्स वैल्यू है ना, जिनकी ओवरऑल अपनी इंटरनल एनर्जी कम है। यस, इंटरनल एनर्जी सबसे कम है। जी सर। और उसके बाद नंबर जो है आप देखें कि डिक्रीज होना शुरू हो गया है, यहां तक के वो स्मॉल क्वाड्रेंट आ गया जहां पर एनर्जी बहुत ही कम है। इज दैट क्लियर? जी सर। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोल्ट्ज़मैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। मुश्किल तो नहीं लगा? बहुत नहीं सर। नहीं। अच्छा, इस कर्व में अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, अब इसमें असल में आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन दिस कर्व, जो हमने ऊपर फैक्टर पढ़े। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, मुझे थ्योरेटिकली सोच के बताओ, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो होगा क्या? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी।
तो वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी पहले कम थी लोअर एनर्जी क्वाड्रेंट में थे वो कहाँ शिफ्ट होंगे? हायर एनर्जी के क्वाड्रेंट। वो आप राइट पे शिफ्ट होंगे, राइट टुवर्ड्स राइट। यस सर। और जो मीडियोकर वाले हैं वो और अपने राइट पे शिफ्ट होंगे, यस और नो? यस सर। अनस बात समझ में आ रही है? जी सर। तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद जो के लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है उनकी तादाद बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी, वो कम हो जाएगी। लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी अनस? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। सारी बातें समझ में आ रही है ना? जी सर। अब ग्राफ किस तरह दिखेगा, अब मैं आपको वो ग्राफ बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हारे ख्याल में पीक ऊपर जाएगी या पीक नीचे आ जाएगी? पीक नीचे आएगी सर। पीक नीचे आ जाएगी क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जिनकी एनर्जी ज्यादा थी। यस और नो? जी सर। अच्छा तो अब ग्राफ में देखो चेंज कैसे आ रहा है। नोट्स में और आपका वो कंप्यूटराइज ग्राफ नजर आ जाएगा तो आपको ये देख रहे हो पीक डाउनवर्ड चली गई है। दोबारा बना रहा हूं। ओवरऑल एरिया सेम ही रहेगा, तकरीबन परफेक्ट बन गई। आप देखें पीक डाउनवर्ड आ गई और राइट पे शिफ्ट हो गई है, और वो एरिया देखने की कोशिश करो जो पहले कम था। जरा देखो अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है वो एरिया बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? जी सर बढ़ गया। हाँ भाई क्या नाम है अनस? जो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है अब जरा उनका एरिया देख रहे हो, उनका एरिया ये हो गया जी सर पूरा। डज दिस मेक सेंस? यस सर। तो मालूम हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से, सवाल एग्जाम में पूछेगा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है बताया बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर उसका कंक्लूजन बनाना है तो क्या है कि जो पीक होगी वो डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूव कर जाएगी। थ्योरेटिकली भी तुमको समझा दिया मैंने कि क्या होगा कि जब टेम्परेचर, अच्छा इसी तरह वो कहता है कि टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर कम करने से क्या होगा सर? इसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम है वो और ज्यादा, वेरी गुड, पी और वो लेफ्ट पे शिफ्ट आ जाएगा। यस और नो? यस सर। गुड हो गया, कोई मसला तो नहीं है, समझ में अच्छे लॉजिकली आ गया। तुम मैंने इसी ग्राफ में बना दिया, तुम अलग अलग बनाना। जी सर। बल्कि नहीं तुम एक साथ तुम भी बना सकते हो, ठीक है, नोट्स में मजीद देख भी लेना। अच्छा दूसरी चीज कैटलिस्ट का इफेक्ट, तुम्हें समझ में आ गया इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का इफेक्ट क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा अब लिसन केयरफुली, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो है कैटलिस्ट। अब क्या कैटलिस्ट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कोई फर्क डालता है? नो सर। नहीं डालता। जब कैटलिस्ट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं डालता अपना अनस, तो क्या ये पीक शिफ्ट होगी, जो ओरिजिनल पीक है वो कहीं शिफ्ट होगी ब्लू वाली? नहीं सर। कैटलिस्ट क्या करता था अगर तुम्हें याद हो, कैटलिस्ट इज एक्टिवेशन की वैल्यू जो कि पहले यहां स्टैंड कर रही है, इस एक्टिवेशन की वैल्यू को पीछे ले आता है। यस और नो? एक नई एक्टिवेशन लोअर कर देता है। यस और नो? यस सर। उससे क्या होता है अनस कि ये जब एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है तो उससे होता ये था कि अब वही मॉलिक्यूल जिनकी कोलिजन पहले इफेक्टिव नहीं थी, अब जिनकी एनर्जी इस रेंज से ज्यादा होगी उनकी कोलिजन क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। ब्लू लाइन पे तवज्जो रखना, मैंने सब एक ही में बना दिया, घिसपिच नहीं हो जाए। ब्लू लाइन वॉज द ओरिजिनल लाइन ना। अब आप देखें कि जो एरिया है उन मॉलिक्यूल्स का, ये पूरा एरिया बढ़ जाएगा खुद ब खुद ही, हालांकि कोई पीक चेंज नहीं आया। जब खुद से अलग अलग बनाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्या कोई पीक चेंज होगी, क्या कोई शिफ्टिंग होगी? बोलो भाई। नहीं होगी। ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो एक्टिवेशन की वैल्यू है, एग्जामिनर आता है ग्राफ में बोलता है कि बताओ कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक पीछे लाकर एक्टिवेशन की एक नई वैल्यू लेकर उसको ग्राफ से मिला देंगे कि अब ये पूरा एरिया जो है वो सक्सेसिव कोलिजन का एरिया हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? एक और बार आप वापस से बता दें। मेरे बच्चे टेम्परेचर देखो क्या करता है, टेम्परेचर को मैंने ऊपर पढ़ाते हुए इसीलिए क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर क्या करता है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। तो अब बोल्ट्जमैन ने एक नॉर्मल जो कर्व बनाया था उसने कहा था किसी रिएक्शन मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें लो एनर्जी, मीडियोकर टाइप ऑफ एनर्जी और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, और बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल वो होते हैं जो जिनकी जिनकी एनर्जी एक्चुअली एक्टिवेशन से ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। तो इससे कर्व बन गया, उससे ग्राफ बन गया। अब टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो ग्राफ में क्या फर्क आता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो उन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाती है जिनकी एनर्जी कम है, जो पीक वैल्यू थी वो नीचे आ जाती है, पीक नीचे आना शुरू हो जाती है और वो मॉलिक्यूल जो है वो अपने राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पीक, पीक की जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड हो रही है और जो वो है मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, शिफ्ट है, वो राइटवर्ड है। यस और नो? डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड। और अगर आप ठंडा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है जी सर? कैटलिस्ट ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क डालता ही नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल्स की किसी किस्म की पीक चेंज या शिफ्टिंग नहीं होती, सिवाय इसके कि जो कैटलिस्ट एक्टिवेशन वैल्यू में से एक नई वैल्यू क्रिएट कर देता है जो लोअर साइड पे होती है, जिसकी वजह से मैंने कहा देखो मैंने ईए एक नई बना दी, ईए डैश पीछे करके, और अब उससे आगे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे उनके कोलिजन सक्सेसिव काउंट होंगे। एम आई क्लियर? जी सर। वो जो पिंक कलर, पिंक कलर में ना सर, पिंक से पूरा पार्ट है, बिल्कुल ऐसे। Any questions? No, sir. Nice. दोनों अलग अलग बना लेना, नोट्स में मजीद देख भी लेना, मैंने एक ही में बना दिया, लेकिन मेरे ख्याल समझ तो आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था। और एग्जाम में ये बहुत आता है, बनाने के लिए भी आता है और बना हुआ होता है उसको आपने उस पर लेबल भी करना होता है, या जो है ना बोल्ट्जमैन का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना हुआ होता है, फिर वो कहता है टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या कैसा हो जाएगा वो बना के दिखाएं, या कैटलिस्ट के इफेक्ट से कैसा हो जाएगा वो बना के दिखाएं, ठीक है। और मैंने थ्योरेटिकली भी समझा दिया कि शिफ्ट क्यों आ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है आज तक? नहीं सर। बेटा चैप्टर खत्म हो गया आपका, चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हो गया। अब पास्ट पेपर्स जो कि आपके पास आ चुके हुए हैं तो आप इस चैप्टर को पहले नोट से, अच्छा एक चीज और, पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन जो आपको स्टॉप यानी बिल्कुल अनरिलेटेड लगे ना टॉपिक से, वो इसलिए कि ये चैप्टर ASA2 दोनों में आता है, तो इसलिए हो सकता है कि पास्ट पेपर की हमने कंपाइलेशन जो कीवर्ड्स पे की थी तो क्वाइट पॉसिबल कि कुछ A2 के क्वेश्चन भी आ जाएं, तो उससे आप घबराना नहीं कि यार ये तो सर ने पढ़ाया नहीं है, ये चैप्टर मैंने बताया था ना A2 में भी आएगा इसका कुछ पार्ट, तो उसके पास से फिर हो सकता है क्वेश्चन मिक्स हो गए हों इसमें, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी यानी समझो कि जो टर्म्स मैंने अभी जिक्र नहीं किए वो नहीं है इस चैप्टर के इसमें, वरना सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, तो ये इस बात का बिलीव रखें। तो इसलिए जो है आप जब कर रहे हो तो इसका ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस शेक ना हो जाए, तो आप इसको अब अपने लेक्चर नोट से, फिर प्रिंट जो आपको बुक मिली हुई है उसके नोट से रिवाइज करके, और फिर इसके पास पेपर शुरू कर दीजिएगा P1 और P2, और जो प्रॉब्लम हो ग्रुप बना पाए ग्रुप पे डालिए पिक्चर, और एक दूसरे की हेल्प भी कीजिए, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी बताऊंगा। इज दैट क्लियर नाउ? जी सर। कैसा लगा ये चैप्टर?